हेलो फ्रेंड्स आप सबका साइंस एक्सप्लोर्ड में स्वागत है हमने आज तक बायो सब्जेक्ट में जितने भी डिफरेंसेस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं उन्हें हमारे इस चैनल पे कवर करने की कोशिश की है जैसे कि डब्ल्यू बी आरबीसी वर्सेज़ आर बी सी आर्ट्रीज वर्सेज वेन डी एन ए वर्सेज आर एन ए ब्लड वर्सेज लिम टाइप वन वर्सेज टाइप टू डायबिटीज़ और इसके अलावा और भी कई सारे डिफरेंसेस हमने हमारे इस चैनल पे डिस्कस किए हैं इन सारे डिफरेंसेस की मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई है आप वो प्लेलिस्ट अगर देखते हो तो आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे और बायो सब्जेक्ट समझने में आपको और आसानी होगी आज भी हम एक और डिफरेंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि है डिफरेंस बिटवीन कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड एनिमल इनके डिफरेंसेस हम एक ही चार्ट में डिस्कस करने वाले हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इनकी डेफिनेशन निमल्स दैट कैन नॉट रेगुलेट देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर विद द चेंज इन द एनवामेंट मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वेदर चेंज होने के बाद बॉडी टेम्परेचर उस हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं वही वॉर्म ब्लडेड एनिमल बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली मेंटेन रख सकते हैं सो एनिमल्स दैट कैन रेग्युलेट एंड मेंटेन कॉन्स्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर आर कॉल्ड वार्म ब्लडेड एनिमल तो ये हुई उनकी डिफिनेशन फिर से समझ लीजिए जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है वो वेदर के हिसाब से खुद का बॉडी टेम्परेचर मेनटेन नहीं रख सकते हैं बट जो वार्म ब्लडेड एनिमल है वो वेदर के हिसाब से बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखिए जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है कि जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है वो टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख सकते हैं बट जो वार्म ब्लडेड एनिमल है वो बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं थर्ड जो पॉइंट है अब जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है उनका बॉडी टेम्परेचर फिक्स नहीं रहता क्योंकि वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख सकते हैं बट जो वार्म ब्लडेड एनिमल है उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है वो डिपेंड रहता है कि वो ऑर्गेनिज़म कौन सा होता है अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 सेवन डिग्री सेल्सियस इतने होता है सो वार्म ब्लडेड एनिमल का जो टेम्परेचर होता है वो 35 फाइव टू फोर्टी डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा ठीक है नेक्स्ट डिफरेंस का पॉइंट है कोल्ड ब्लडेड एनिमल कैन नॉट सस्टेन इन एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन मतलब ये एक्सट्रीम एन्वायरमेंट के टेम्परेचर में सरवाइव नहीं कर पाते हैं वही वार्म ब्लडेड एनिमल एनवायरमेंट के किसी भी टेम्परेचर में सरवाइव कर पाते हैं सो वार्म ब्लडेड एनिमल कैन सरवाइव इन एनी टेम्परेचर रेंज एज दे कैन एडेप्ट टू इट इजीली तो कौन किसी भी टेम्परेचर में वार्म ब्लडेड एनिमल उस टेम्परेचर के हिसाब से खुद की बॉडी एडजस्ट कर लेते हैं वो उस टेम्परेचर को एडेप्ट कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट है रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म के ऊपर अब जैसे कि आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करते हैं उनके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती रहती है अब जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो चेंजेस विथ चेंज इन एनवायरमेंट तो अगर वेदर में कोई चेंज आता है तो उसके हिसाब से उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चेंज होती रहती है इन कोल्ड ब्लडेड एनिमल बट जो वार्म ब्लडेड एनिमल है उनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी कभी नहीं चेंज होगी अगर वेदर कुछ चेंज भी होता है टेम्परेचर में अगर चेंज भी होता है फिर भी उनके बॉडी में कोई अफेक्ट नहीं होगा और उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो नॉर्मली चलती रहेगी नेक्स्ट पॉइंट है इन कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स मोर फैट कॉजेज ओवर ऑफ द बॉडीज दैट मे रिजल्ट इन डेथ मतलब बहुत ज़्यादा फैट्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल के लिए हार्मफुल हो सकते हैं और कभी कभी ज़्यादा फैट होने के कारण से किसी किसी कोल्ड ब्लडेड एनिमल की डेथ भी हो सकती है बट वार्म ब्लडेड एनिमल्स में यही फ़ैट कुछ वार्म ब्लडेड एनिमल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जैसे कि जो पानी के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज़्म हैं जैसे कि व्हेल है तो व्हेल के लिए ये फैट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो फैट इन्हें पानी के अंदर गर्म रखने में हेल्प करता है सो इन वार्म ब्लडेड एनिमल फैट्स इज इम्पॉर्टेंट एज इट हेल्प्स टू कीप एनिमल्स वार्म इन द फ्रीजिंग ओशन तो ये हुआ वाम ब्लडेड एनिमल और लास्ट है एग्जाम्पल का पॉइंट तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन कौन हो सकते हैं जैसे कि रेप्टाइल्स है इंसेक्ट्स है फिश है एम्फीबियंस है तो ये सारे जो है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल हो सकते हैं वाम ब्लडेड एनिमल मतलब बर्ड है और मैमल्स है तो ये वाम ब्लडेड एनिमल है तो ये होता है कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड एनिमल का डिफरेंस अगर ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक like ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा थैंक यू